फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी जो मेकअप की वीडियो है उस पर मुझे काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि आप कौन कौन से एंड किस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्लीज हमें बताएं। सो फाइनली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस कंपनी के और कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन कर लेना है। आपको फेस क्लीन करने के लिए एस्ट्रीजेंट यूज करते हैं या फिर रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एस्ट्रीजेंट और रोज वाटर अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल वाटर से भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। फेस क्लीन करने के बाद में हमें प्राइमर यूज करना है। मैंने मेलिनो 24 कैरेट गोल्ड ऑल फ्री प्राइमर यूज किया है। इसे आपको ऑल ओवर फेस पर फिंगर की हेल्प से या फिर आप कॉटन भी ले सकते हैं, कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पर मास्क कर देना है थोड़ा थोड़ा सा लेकर। प्राइमर आपकी स्किन के ग्लो को बनाए रखने में हेल्प करता है। प्राइमर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी स्किन को केमिकल से बचाती है। उसके बाद हमें आईब्रो को फिल करना है, आईब्रो की शेप देनी है। इसके लिए मैंने मैजिक फ्लावर का आईलाइनर लिया है। इसमें दो आईलाइनर आते हैं, एक ब्लैक आता है एंड सेकेंड ब्राउन आता है। तो आईब्रो के लिए मैंने ब्राउन जेल आईलाइनर यूज़ किया है। इसके लिए आप आईब्रो पेंसिल और आईब्रो पाउडर भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैजिक फ्लावर का ये जेल आईलाइनर है, इसको आप आईब्रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड लाइनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। अब हम कंसीलर यूज़ करेंगे। यह इनसाइड कंसीलर प्लेट है, इसमें 10 शेड्स हैं। कंसीलर आपको डार्क सर्कल, एज स्पॉट और लार्ज पोर्स होते हैं उसको हाइड करने में आपकी हेल्प करता है। इट्स इजीली ब्लेंडेबल एंड गिविंग यू फ्लॉलेस लुक विद ब्राइटन स्किन। इसमें मैंने 4th नंबर शेड यूज़ किया है बिकॉज ये इनकी स्किन को जा रहा है। के ऊपर हमें फेस पाउडर यूज़ करना है जिससे कि वो स्टे रहे। फेस पाउडर मैंने मैबेलिन का यूज़ किया है। मैबेलिन फेस पाउडर है, इसका SPF 28 है। वी कैन यूज़ इवन इन हॉट एंड ह्यूमिडिटी वेदर। हम इसे गर्मियों में और ह्यूमिड वेदर होता है उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वाटरप्रूफ फेस पाउडर है, इसमें 4 शेड्स आते हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग। मैंने शेड्स में पर्ल यूज़ किया है। आई शेडो के लिए हमें सबसे पहले हमें आई शेडो टेप लगानी है। इसके लिए आप किसी भी टेप को यूज़ में ले सकते हैं। हमें आई शेडो यूज़ करनी है। आई शेडो के लिए हमने जैकलिन हेल मॉर्फी कंपनी की यूज़ करी है। इसमें 35 शेड्स हैं, 70 ग्राम्स है।
मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड यूज़ करा है। पहले लाइट ब्राउन लगाना है, उसके ऊपर हमें डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करना है। ब्रश की हेल्प से हमें इसे स्प्रेड करना है। उससे पहले गोल्ड मैट कलर अप्लाई करना है शेडो के लिए। कलर हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। इन्होंने ब्लैक कलर भी लिया हुआ है रेड के साथ में, तो हमें ब्लैक कलर देना है। मैंने इसमें ब्लैक कलर साइड में दिया हुआ है स्मोकी आइज देने के लिए। के बाद आई बॉल पर फिंगर की हेल्प से मैंने गोल्डन शेड लगाया है। मैजिक फ्लावर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने ब्राउन शेडो यूज़ किया था आईब्रो सेट करने के लिए। इसमें मैं लाइनर के लिए ब्लैक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। शेडो के लिए जो टेप लगाई थी मैंने उसे हटाया नहीं है। आपको आईलाइनर लगाना है टेप के साथ में ही, इससे आपका आईलाइनर इक्वल आएगा। मैजिक फ्लावर आईलाइनर वाटरप्रूफ है, इजमेस प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। इसके बाद हमें कंसीलर यूज़ करना है। फेस पर किसी भी तरह के ब्लैक स्पॉट हो या इक्वल स्किन ना हो तो हमें कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर को हमें स्पॉन्ज की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से फेस पे स्प्रेड करना है इक्वल। इसके बाद फाउंडेशन यूज़ करना है। मैंने मैक का फाउंडेशन यूज़ किया है।
फाउंडेशन में हमने मैक का NC40 फाउंडेशन यूज़ किया है। इसको हमें फुल फेस पे लगाना है एंड स्पॉन्ज की हेल्प से हमें फुल फेस पे स्प्रेड करना है। इक्वल होना चाहिए, हमें कहीं पर भी स्पॉट नहीं रखना है। डार्क सर्कल के लिए हमें आईज़ के नीचे NC115 प्लस NC40 मिक्स करके अप्लाई करना है। अब इसे स्पंज की हेल्प से डैब डैब करके मर्ज कर देना है। डार्क सर्कल के लिए हमें NC15 एंड NC40 को मिक्स करके अप्लाई करना है। उसे भी हमें स्पंज की हेल्प से डैब डैब करके स्प्रेड कर देना है, कहीं पर भी स्पॉट ना रहे। हमें इस तरह से फेस पर स्प्रेड करना है फाउंडेशन को। पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद में हमें फेस पाउडर अप्लाई करना है। फेस पाउडर हमने मैबेलिन का लिया था। कंटूर के लिए कंसीलर पैक में डार्क ब्राउन कलर यूज़ करना है। कंटूरिंग के लिए हमें नोज शार्प करना है एंड चीक्स बोन को कंटूर करना है। कंटूरिंग के लिए हमें उसको मर्ज कर देना है, हमें उसमें लाइन कहीं दिखे ना, इस तरह से हमें फेस पे मर्ज करना है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने 7C स्टीम शिमर यूज़ किया है। हाइलाइटर हमें चीक, नोज़ एंड आईज़ के पास में यूज़ करना है। इसके बाद में हमें जेल आईलाइनर जो हमने लाइनर के लिए यूज़ किया था उसी को हमने आईज़ के नीचे अप्लाई करना है, बट उसमें हमें लाइन नहीं बनानी है, उसको ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा स्मज कर देना है।
उसके बाद हमें मस्कारा अप्लाई करना है। मस्कारा मैंने अल्टीमेट का यूज़ किया है, ये वाटरप्रूफ है। लिपस्टिक कलर स्टे का मैंने मैट लुक यूज़ किया है, ये मैट लिपस्टिक है एंड इसके साथ में जेल भी है, ये 2-in-1 है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, यह लॉन्ग लास्टिंग एंड इंस्टेंट ड्राई लिपस्टिक है। ये मियोन का काजल है, ये वाटरप्रूफ जेड ब्लैक काजल है। इसके बाद में हमें आईलेसेस लगाना है, आईलेसेस ग्लू के साथ में। Thanks to watching my video. Bye, take care.